कृष्ण की ब्रज भूमि का अंग है यह। इसलिए मैं कहता हूं काशी मथुरा और अयोध्या का संगम है यह। आप मुंशीवासी हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम चल भी रहा है, राम की लीला होती है और उस लीला में जब यह अवसर आता है कि उनके विवाह का अवसर हो और उनको रामगढ़ के रूप में निकलती है तो विचार में होती हुई इससे बड़ा आयोजन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और जनकपुरी जब तरसती है यहाँ पर वास्तव में इससे बड़ा आयोजन लक्की मेला है। जब मैंने मैडम गवर्नर से कहा कि ऐसे से वो भी जानती थी आगरा के महोत्सव के बारे में, बोले जाओ जल्दी जाओ क्योंकि तुम्हारा यह क्षेत्र है। जब मैंने उनसे इजाजत ली तो मित्रों आपके इस दीप प्रज्वलित किया है आपने, इसका प्रकाश पूरे प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। इसमें महिला पुरुषों का सबका सहयोग है। मेरे कमेटी गौरव रजा जी ने महिलाओं का एक मंडल किया जिसमें संरक्षक है मधु लोहिया जी, महारानी सुनैना बनी है मंजू वर्मा जी, महिला मंडल के अध्यक्ष हैं प्रीति उपाध्याय जी, संयोजक है सुभाष चौधरी जी, सह संयोजक है वर्षा सपा जी, महामंत्री है पलक अग्रवाल जी, विशेष आमंत्रित सदस्य नीतू अग्रवाल जी, निहारिका गुप्ता जी, शिवांगी राय जी, प्रांशु तिवारी जी और कार्यकारिणी एक लंबी फहरिस्त है जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। अभी मैं आया जब आगरा से सबसे पहले तो राम महाराज जहां से प्रारंभ हो रही थी सीधा वहीं उतरा और वहां पर प्रभु श्री राम के हाथ उतार कर रात की शोभा यात्रा को प्रारंभ कराया। फिर मैं यहां गोविंद नगर में सीता जी का डोला आ रहा था, वहां पर भी मुझे आमंत्रित किया, वहां पहुंचा सीता मैया का डोला आया, इतनी भाव विभोर होकर वह महिलाएं उनका अभिनंदन उनका वंदन कर रही थी। रोमांचकारी दृश्य, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी आस्था, ये हमारी नगरानंद है। वहां से फिर हेमंत भगवान जी को चला गए, आप चलिए चलो। वैसे तो मैं कल आना चाहता था क्योंकि इस लंबी यात्रा के बाद कल नोएडा में था, नोएडा से लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से कानपुर गया, कानपुर से यहाँ आया और यहाँ भी कार्यक्रम, उसके बाद यहाँ आए, लेकिन आप तो अपने आप मुझे कह चलाया, दर्शन करने का सौभाग्य मुझे कह चलाया। एक बड़ा आयोजन आप सब मिलकर करते हैं, इसके लिए पूरा शहर कृतज्ञ है, सनातन कृतज्ञ है आप लोगों का। मैं स्वयं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्कार।